नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पूर्णिया समेत बिहार के 17 जिलों में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बुलाई बैठक। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए आपदा विभाग अलर्ट। तेजस्वी यादव द्वारा जारी गाइडलाइन पर सुशील मोदी हुए हमलावर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सादगी से भरा है बिहार का यह पावरफुल आईएएस। देश में ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके एक इशारे पर गाड़ियों की कतार लग सकती है। ऐसे ही बिहार में एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जिनके एक फ़ोन पर सैकड़ों गाड़ियों की कतार और बॉडीगार्ड की भरमार लग सकती है। लेकिन इनकी सादगी ऐसी है कि ये आपको कभी साइकिल की सवारी करते दिख जाएंगे तो कभी गोलगप्पे के ठेले पर गोलगप्पे खाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार कैडर के 1991 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ की, जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। साथ ही साथ इनके पास कैबिनेट और वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इस अफसर की सादगी ऐसी है कि पटना की सड़कों पर बिना बॉडीगार्ड और बिना गाड़ी के अकेले घूमते दिख जाएंगे, वो भी रिक्शा पर। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए आपदा विभाग अलर्ट। एक और जहां बिना बारिश के बिहार के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति है, वहीं गंगा के तटवर्ती इलाकों के लोग बाढ़ की मुश्किलों से परेशान हैं। दरअसल बक्सर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में अचानक आए उफान से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन ने तटवर्ती गंगा में अलर्ट जारी कर दिया और बक्सर कोइलवर तटबंध पर सुरक्षा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वह जलस्तर पर निगाह बनाए रखें। पानी जब नज़दीक आने लगे तो प्रशासन को सूचना दें और खुद किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखे लोगों को किया जाएगा बेदखल। बिहार सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखे लोगों के लिए बुरी खबर है। बिहार में भूमि का एरियल सर्वे कराया जा रहा है। काम काफी तेजी से चल रहा है। वर्ष 2024 तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि बिहार में कितनी भूमि पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा जमा रखा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे आलोक मेहता ने उक्त बातें कही है कि भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को बेदखल किया जाएगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फिलहाल बिहार का मौसम कब रुख बदल ले कोई कह नहीं सकता। इस दरमियान कभी बारिश तो कभी सूरज की तीखी किरणें लोगों को परेशान कर रही हैं। हालांकि बारिश होने की वजह से लोग आग उगलती गर्मी से जरूर राहत पा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजस्थान समेत प्रदेश के 20 जिलों के एक या दो स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश होगी। वहीं प्रदेश के रोहतास व कैमूर जिले में भारी वर्षा को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आज ही के दिन हुआ था दामोदर राव का जन्म। दामोदर राव एक भारतीय गायक, संगीतकार व अभिनेता हैं। इन्होंने गायकी और संगीत में लगभग 95 भोजपुरी और हिंदी सिनेमा तथा 800 वीडियो एल्बम किए हैं और इन्हें भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक माना जाता है। इनका संगीत मधुर और कर्णप्रिय होता है। आपको बताते चले कि दामोदर राव का जन्म बिहार के नरकटिया गंज में आज ही के दिन 21 अगस्त 1977 में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म में शैतान तांत्रिक से डेब्यू किया था। भोजपुरी फिल्मों में मजनू मोटरवाला, जो कि साल 2012 में आया था, वहीं भोजपुरी एल्बम भोजपुरी होली की थी, जो साल 1996 में आई थी। तेजस्वी द्वारा जारी गाइडलाइन पर सुशील मोदी हुए हमलावर। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही सियासी घमासान शुरू है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। मालूम हो कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों के लिए कुल 6 प्रकार के गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसको लेकर विपक्ष में बैठे भाजपा नेता सुशील मोदी ने हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि खुद के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी में मंत्रियों को नसीहत की नई गाड़ी नहीं मांगना है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करते हुए कहा कि खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी और मंत्रियों को नसीहत की नई गाड़ी नहीं खरीदना है। खुद गिफ्ट में जमीन मकान और मंत्रियों को कह रहे हैं बुके नहीं किताब। अब बागमती में अटखेलियां करती दिख रही हैं डॉल्फिन। बिहार सरकार द्वारा डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जलीय जीव के संरक्षण की कोशिश कामयाब होती दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब गंगा नदी ही नहीं बल्कि बिहार में बहने वाली बागमती नदी में भी डॉल्फिन अटखेलियां करती हुई देखी जा रही हैं। ऐसे में बिहार सरकार की डॉल्फिन संरक्षण की पहल सकारात्मक अंजाम तक पहुँचती हुई दिख रही हैं। दरअसल भागलपुर के गंगा तटों पर डॉल्फिन का देखा जाना सामान्य है, लेकिन अब सुखद समाचार खगड़िया जिले से है, जहां पिछले कुछ वर्षों से बागमती नदी के किनारे डॉल्फिन की चहलकदमी देखी गई है। माना जा रहा है कि बागमती में इनकी संख्या बढ़ रही है।
पूर्णिया समेत बिहार के 17 जिलों में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आज यानी रविवार को तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद राज्य के 17 जिलों में इनके दाम में बढ़ोतरी हुई है। आपको बताते चले कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, रोहतास आदि शहरों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। हालांकि भागलपुर, बेगूसराय, गया, गोपालगंज आदि में तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इस बीच अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 107.24 रुपये है, तो वही डीजल के दाम 94.04 रुपये देखे जा रहे हैं। कुशवाहा ने कहा, जदयू को 43 सीटों पर पहुंचाने के लिए आरसीपी जिम्मेदार। जदयू का एनडीए से अलग होने के सबसे बड़े कारणों में से एक जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह को ठहराया जा रहा है। ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि खुद जदयू कह रही है। जदयू की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि 2020 के चुनाव के दौरान आरसीपी सिंह की वजह से ही जदयू महज 43 सीटों पर सिमट गई। इस बीच उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह की हरकतों की निंदा करते हुए कहा कि उनका दायित्व बनता था कि वे मुख्यमंत्री की नीतियों और विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते, लेकिन वे अपने स्वार्थ को देखते हुए बीजेपी के साथ साठगांठ कर जदयू के साथ धोखा किया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2020 के चुनाव में जदयू 43 सीटों पर पहुंच गई थी, जिसके लिए जिम्मेदार भी आरसीपी सिंह ही हैं। सबसे पहले लीक पेपर पाने वाला कपिल देव डे गिरफ्तार। बीपीएससी 67वीं की प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में लगातार छानबीन जारी है। इसको लेकर अभी तक कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और अभी भी मामले की छानबीन जारी है। इसी कड़ी में सबसे पहले बीपीएससी 67वीं की प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र पाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार सरकार की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने गया जिले के कपिल देव डे को झारखंड के चंदन कियारी बोकारो इलाके से गिरफ्तार किया है। वह चंदन कियारी में स्थित अपने एक दोस्त के जिम्मे पिछले 15 दिनों से छुपकर रह रहा था। जानकारी के मुताबिक कपिल देव डे पर आरोप है कि कपिल देव वही पहला व्यक्ति है जिसे गया जिले के डिल्हाई स्थित रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य और केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार ने डॉक स्कैनर मोबाइल ऐप से बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र सी सेट स्कैन कर व्हाट्सएप से भेजा था और प्रश्न पत्र लीक किया था। निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बुलाई बैठक। नगर निकाय चुनाव में इस बार काफी देर हो रही है, हालांकि इसकी तैयारी चल रही है। इस बीच बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आयोग ने 172 निकायों में आरक्षण तय करने का निर्देश जारी किया है, जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। आयोग के अनुसार आरक्षण प्रस्ताव का अनुमोदन 25 से 31 अगस्त तक का समय निर्धारित है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, राजद को जगह नहीं, अपने विचार बदलने चाहिए। लगभग एक साल पहले जगदानंद सिंह ने एनडीए सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राजद कार्यालय के लिए बड़ी जगह देने की मांग की थी, लेकिन जमीन नहीं मिल पाई थी। वहीं अब राजद सत्ता संभाल रही है तो एक बार फिर से राजद के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने यह मांग उठाई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि आवास बड़ा करने से कार्यालय बड़ा करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, इसके लिए विचार बदलना होगा। राजद का नाम आते ही लोगों को जंगल राज याद आ जाता है। एक बार फिर से राजद शासन काल में लोग घरों से निकलने में डरने लगे हैं। सेना बहाली के लिए आयोजित होगी रैली। मालूम हो कि इन दिनों दानापुर में अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया शुरू है। इस बीच सेना भर्ती केंद्र दानापुर में रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी व्यवस्था के लिए सेना के अधिकारियों और पटना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दानापुर कैंट के डायरेक्टर भर्ती कर्नल तजिंदर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन अक्टूबर महीने में होना प्रस्तावित है। रैली 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 20 दिनों तक चलेगी। इसमें 26 अक्टूबर 2022 को होने वाली महिला रैली भी शामिल है। देशभर में आए 10,000 से अधिक कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 11,540 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 178 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 58 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 85,352 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 127 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। अफरीदी के एशिया कप से बाहर होने से क्या खुश है भारत? पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी इंजरी की वजह से एशिया कप 2022 से बाहर हो गए हैं। उनके बाहर होने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं शाहिन शाह अफरीदी की इंजरी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने भारत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अफरीदी के बाहर होने से भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए शाहिन की इंजरी एक बड़ी राहत है। दुख की
बात है कि हम उन्हें एशिया कप में नहीं देख पाएंगे, जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ चैंपियन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, छोटू कुमार, रंजीत मिश्रा, राजकुमार प्रसाद, परवेज आलम, कविता कुमारी, मोहम्मद नौशाद, जफर हुसैन, मुटू रंगीला और शबाहत निशा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके पसंदीदा भोजपुरी स्टार कौन से हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।